कहानी शुरू होती है अमेरिका में रोज क्रीक नामक जगह से। बार्थोलोम्यू बोग एक बुरा बिजनेसमैन था जो गोल्ड माइनिंग करता था। बोग ने अपने आदमियों को रोज क्रीक भेजा था। बोग चाहता था कि वहां के लोग उसे अपनी जमीन कम दाम में बेचकर वो जगह खाली कर दे। बोग के आदमी रोज क्रीक पर कब्जा कर लेते हैं और वहां के रहने वालों को जबरदस्ती माइन पर काम कराया जाता है। रोज क्रीक के निवासी चर्च में मीटिंग कर रहे होते हैं। कुछ लोग बोग के ऑफर को स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास और कोई चारा नहीं था, और कुछ लोग इसके खिलाफ होते हैं। इसी बीच चर्च के अंदर बोग आ जाता है और सबको बाहर निकालने के बाद चर्च में आग लगा देता है। बोग कहता है कि वो 3 हफ्तों के बाद वापस आएगा, तब तक सभी को वो जगह खाली करनी होगी। मैथ्यू कलन वहीं का रहने वाला एक फार्मर था। वो बोग के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसे वो शूट कर देता है और उसके साथ साथ कई और लोगों को मार दिया जाता है ताकि लोगों में बोग के लिए डर पैदा हो जाए। अगले सीन में सैम चिसम नाम का एक आदमी एक सलून के अंदर आता है। वो एक फेमस यूएस मार्शल होता है और वहाँ किसी अपराधी को मारने के लिए आया था। वो अपराधी को ढूंढ लेता है और उसे तुरंत ही ढेर कर देता है। उस सलून में जोशुआ फैरेडे भी होता है, वो भी गन चलाने में एक्सपर्ट था। मैथ्यू की बीवी एमा और टेडी, जो एमा का दोस्त था, बाउंटी हंटर को हायर करने आए थे। वे सैम को देखते हैं और उसे ऑफर देते हैं। सैम को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब एमा बताती है कि उनकी हालत के पीछे बोग का हाथ है, तब सैम उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जोशुआ उस सलून से कुछ सामान चुरा के भाग रहा होता है कि उसे 2 लोग गन पॉइंट पर ले लेते हैं। हमें पता चलता है कि जोशुआ ने उन दोनों को 3 दिन पहले धोखे से कार्ड गेम में हरा दिया था और उनके $50 ले लिए थे। अब वे उसी बात का बदला लेना चाहते थे, जोशुआ को मार के। जोशुआ उन्हें कार्ड की तरकीब दिखाने लगता है जिससे उनका ध्यान भटक जाता है। जोशुआ गन छीन लेता है और उनमें से एक को मार डालता है और दूसरे के कान पर गोली मार के घायल कर देता है और वहां से चला जाता है। जोशुआ देखता है कि उसका घोड़ा किसी ने कैद कर लिया था और उसे वापस देने के लिए पैसे मांग रहा था। जोशुआ के पास पैसे नहीं थे, लेकिन वहां पर सैम आ जाता है और जोशुआ का घोड़ा खरीद लेता है। वो जोशुआ को घोड़ा देने के लिए तैयार था, लेकिन जोशुआ को उसके साथ आना होता रोज क्रीक के लोगों की मदद करने के लिए, और जोशुआ मान जाता है। रास्ते में सैम 5 और लोगों को रिक्रूट करता है, एक फरार मुजरिम वास्क्विस, फॉर्मर कन्फेडरेट सोल्जर गुडनाइट रॉबिशो और उसका दोस्त बिली रॉक्स, और एक हंटर जिसका नाम जैक हॉर्न था। अंत में उनकी टीम में एक एडिशनल मेंबर भी जुड़ जाता है, रेड हार्वेस्ट, जो कमांचे ट्राइब से था। वे सातों रोज क्रीक पहुंच जाते हैं और तुरंत ही 22 ब्लैकस्टोन डिटेक्टिव्स को मार डालते हैं जिन्हें बोग ने हायर किया था टाउन को गार्ड करने के लिए। सैम वहां के करप्ट शेरिफ हार्प को जिंदा छोड़ देता है ताकि वो वापस जाकर ये बता सके कि अब वो टाउन उनके कंट्रोल में है। सैम वहां के डरे हुए लोगों को कहता है कि अब उनके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, ना कि 3 हफ्ते। 3 दिन में हार्प बोग के पास पहुंच जाएगा, 1 दिन बोग को प्लान बनाने में लगेगा और 3 दिन बोग को अपने आदमियों के साथ रोज क्रीक पहुंचने में लगेगा। तो उन्हें जो भी करना होगा इन्हीं 1 हफ्ते में करना होगा। सैम उन्हें हिम्मत रखने और डट कर मुकाबला करने को कहता है। कुछ लोग वहां से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन बहुत से लोग रुक जाते हैं और बोग से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे सातों माइन पर काम कर रहे लोगों को आजाद कर देते हैं। उन्हें सैम ऑप्शन देता है कि वो रोज क्रीक से भाग सकते हैं या उनके साथ मिलकर बोग से लड़ाई कर सकते हैं। वे रुकने का फैसला करते हैं। माइन में उन्हें एक्सप्लोजिव्स मिलते हैं, वे लोग उसे ले लेते हैं। उनके पास जो 1 हफ्ता था उसमें वे लोग टाउन के लोगों को ट्रेन करते हैं और तरह तरह के ट्रैप्स बिछाते हैं। दूसरी तरफ अब हार्प बोग के पास पहुंच जाता है और उसे एक खबर देता है। बोग को जब ये पता चलता है कि सिर्फ 7 आदमी ने उसके 22 शार्प शूटर्स को मार डाला था, तब वो बहुत गुस्से में आ जाता है और हार्प को शूट कर देता है, जिसके कारण उसकी जान चली जाती। बोग अपने खास आदमी डिनाली को लोगों को इकट्ठा करने को बोलता है जो उसके साथ टाउन पर धावा बोल सके। डिनाली भी कमांचे ट्राइब से था। लड़ाई होने से 1 दिन पहले रॉबी शॉ को अपने सिविल वॉर के दिन याद आ जाते हैं। उसे डर लगने लगता है, इसीलिए वो उस रात वहां से भाग जाता है। एमा उसकी जगह ले लेती है। अगली सुबह बोग अपने लोगों के साथ रोज क्रीक पहुंच जाता है। बोग के कई सारे लोग तुरंत ही मारे जाते हैं ट्रैप्स और एक्सप्लोजिव्स की मदद से। लड़ाई अब आगे बढ़ जाती है। इसी बीच जोशुआ को गोली लग जाती है।
लेकिन वास्कुएस के कारण उसकी जान बच जाती है। उनका डिफेंस अब कोलैप्स कर जाता है। रॉबी शॉ वापस आ जाता है और बाकियों को वार्न करता है कि बोक के पास मशीन गन थी। बोक के लोग जो हिल पर उसके साथ थे वो मशीन गन चलाने लगते हैं, जिसके कारण टाउन के कई लोग मारे जाते हैं, साथ ही साथ बोक के लोग भी मारे जाते हैं। उन सातों को आभास होता है कि टाउन के लोगों के लिए वहां पर बहुत खतरा था। वे लोग सर्वाइवर्स को मौका पाते ही वहां से भगा देते। टेडी को गोली लग चुकी थी। हॉर्न उसे बचा लेता है लेकिन खुद मारा जाता है डिनाली के हाथों। इसके बाद डिनाली एमा को देख लेता है और उसे मारने वाला ही होता है कि वहां रेड आ जाता है और डिनाली को मार डालता है। रॉबी शॉ और बिली मारे जाते हैं गन फायर के सेकेंड राउंड में। जब वो जोशुआ को कवर दे रहे थे, जोशुआ के पास डायनामाइट था और वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस मशीन गन के पास आ जाता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, साथ ही साथ वो खुद भी मारा जाता है। अब बोक के पास सिर्फ दो आदमी बचे थे। सैम उन दोनों को इजली ढेर कर देता है और बोक के गन पर शूट करके उसे डिसआर्म कर देता है। घायल बोक अब चर्च के अंदर आ जाता है, जहां सैम उसे बताता है कि किस तरह 1867 में एक्स कन्फेडरेट सोल्जर्स ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था, जिन्हें बोक ने हायर किया था ताकि उनकी जमीन हड़प सके। वो बोक को माफी मांगने को कहता है और उसका गला दबाने लगता है। बोक के पास एक छोटा गन था जो उसने अपनी बूट के अंदर छिपा के रखा था। वो इसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन सही समय पर एमा आ जाती है और बोक को शूट कर देती है। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी। टाउन के लोग वापस रोज क्रीक आ जाते हैं और सैम वास्कुएज़ और रेड को शुक्रिया करते हैं उनकी मदद करने के लिए। वे तीनों वहां से चले जाते हैं। जोशुआ, रॉबी शॉ, बिली और हॉर्न को टाउन के बगल में ही सम्मान के साथ दफना दिया जाता है। उन सातों ने उन लोगों के लिए लड़ाई की जो खुद के लिए लड़ाई नहीं कर सकते थे, और उनके इसी नोबल सैक्रिफाइस के कारण उन्हें मैग्निफिसेंट कहा गया। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।